सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। पिछली वीडियो में जब मैंने आप सभी को दिखाया तब इस पर सेटिंग लगाई जा रही थी, यानी कि दरियाओं का जाल बनाया जा रहा था। आज इस पर देखो, बिल्कुल कंक्रीट भी भर दिया है और इसको खोलने वाले हैं तो ये भी बन गया है। और इस पर सेफ्टी वायर लगाई जा रही है। देखो यहाँ पर ये सेटिंग लगाई जा रही है दोस्तों, पियर कैप बनाने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, ये वाला पियर बचा हुआ है, अभी इस पर भी सेटिंग लगाई जाएगी। और देखो यहाँ पर ये सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है पियर कैप का दोस्तों, और नीचे ये कॉन्क्रीट की लेयर डाली जा रही है। ये देखो अब यहाँ से ये पुस्ता रोड ख़त्म हो जाती है दोस्तों। अब आपको बता दूं, यहाँ पर ये तिराया है, ये सीधा चला जाता है, ये जहाँ से मैंने फ्लाईओवर के ऊपर वो पिंक लाइन का काम दिखाया था वहाँ पे दोस्तों, ये सादरा के लिए सीधी निकल जाएगी। सादरा और लोनी के लिए ये वाली रोड चली जाएगी और यहाँ से ये बागपत के लिए चला जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो सारे में ही। आप लोगों को बता दूँ कि इसमें पियर कैप बन के कम्प्लीट हो गए हैं, जहाँ नहीं हुए हैं वहाँ अभी किए जा रहे हैं दोस्तों। और जैसे जैसे इस पर पियर कैप बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, वैसे वैसे दोस्तों आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों लॉन्च कर दिया जाएगा। देखिए आप लोग तस्वीरें, क्यों यहाँ पर इन्होंने बंद कर दिया है, पियर कैप बनाए थे ना, तो इनकी अब सेटरिंग को निकालने का काम किया जा रहा है यार। देखो आप लोग कि किस तरीके से यहाँ पर पियर कैप का ये सरियाओं का जाल बनाया जा रहा है, और उसमें जो सेफ्टी वायर लगाएंगे वो देखो वो बीच में लग रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर काम किया जा रहा है। इधर देखो आई गटर द्वारा गाटर लॉन्चिंग कर दी एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में दोस्तों, और फिर ये पियर ये गाटर को जोड़ने का काम किया जा रहा है। देखो बीच में ये जोड़ दिया है ना, फिर इसमें कॉन्क्रीट भर देंगे। तो इसी तरीके से ये तीन जगह जोड़े जाते हैं दोस्तों, एक तो बीच में दो जोड़ते हैं और दोनों साइडों में जोड़ते हैं, एक दूसरे से ये कनेक्ट हो जाते हैं। और इधर ये फ्लोर वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, पावी पुस्ता ख़त्म हो जाने के बाद में जैसे ही हम कुछ आगे चलेंगे, करीब 100 मीटर आगे, तो देख सकते हो यहाँ पर सारे में ही गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है। अब इसको गाटरों को एक गाटर से दूसरे गाटर के बीच में इसको कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है, यानी कि जोड़े जा रहे हैं। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, ये बीच में भी जोड़ा जा रहा है और साइडों से भी जोड़ रहा है। पियर कैप के ऊपर का देखो ये जोड़ा जा रहा है। तो इन्होंने मतलब कि सरियाओं को जाल तो बना दिया है, अब इसमें कंक्रीट भरना बाकी रह गया है। और देखो यहाँ पर इस जगह पे ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। क्रेन मशीन ये लगी हुई है दोनों साइड की, एक इधर एक उधर, और फिर इसी ये आई गाटर को उठाते हैं और फिर एक पिलर से दूसरे पिलर के बीच में रख देते हैं दोस्तों। तो यही वर्क चल रहा है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को बहुत तेज़ी के साथ में बनाया जा रहा है दोस्तों। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मंडोला बिहार नज़दीक आता चला जाएगा दोस्तों। तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये दूसरी तरीके से पियर कैप बनाया जाता है, इसको आधा बना लेते हैं। और ये देखो ये बिंग्स को यार्ड से उठा के लाते, फिर यहाँ पर ये चिपकाया जाता है, इस क्रेन मशीन के द्वारा इसको उठाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से ये पियर कैप आधे बन गए थे पहले ही, अब इनका जो विंग्स है वो यार्ड से उठाकर यहाँ पर चिपकाए जा रहे हैं। तो यही काम चल रहा है, बस यही वाले पियर कैप बचे हुए हैं जिन पर पियर कैप अभी लगाया जाना है, यानी कि इनके विंग्स को लगाया जाना है दोस्तों। जो पिलर के ऊपर बनते पियर कैप बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जोड़ने का काम चल रहा है, तो ये मतलब कि आप लगा लो कि इतना मजबूत नहीं है जितना होना चाहिए, वो पूरा है एक, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मजबूत है।
ये इतना मजबूत नहीं होता है। अब फिर भी हादसा तो तुम्हें पता ही है क्या होता है। अब ये भैया इंजीनियर द्वारा बनाया जा रहा है, क्या करते हैं इंजीनियर, किस तरीके से करते हैं क्या ही जाने। देखो ये लोहे का ये पियर बना दिए हैं, क्योंकि इसके ऊपर उस विंग्स को रखेंगे और फिर इसमें सेफ्टी वायर घुसेड़े जाएंगे, इसको चिपकाया जाएगा। तो यही काम चल रहा है अभी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का ब्राउन फील्ड एरिया में दोस्तों, तस्वीरें देख सकते हो। और ये अभी हम दिल्ली ख़त्म हो चुका है, यूपी में चल रहे हैं, तो यूपी में आप सभी को ये काम देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। देखो इतने पियर ये बन के कम्प्लीट हो चुके हैं दोस्तों, देखो ये बनाए जा रहे हैं, इन पर सेटिंग लगाई जा रही है, आगे के पियर सारे बन चुके हैं दोस्तों, देखो कंप्लीट हो गए हैं। और इन पर अब आई गटर द्वारा एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, इनको जोड़ने का काम किया जा रहा है, इन पर शटरिंग का काम किया जा रहा है और फिर फ्लोर वर्क कर दिया जाता है दोस्तों। तो इन पर कई सारे पिलरों पर इस पर पहले शटरिंग करते हैं, शटरिंग कर देने के बाद में फिर दोस्तों इस पर क्या फ्लोरिंग का काम किया जाता है। तो यही नज़ारे हैं, देखो आप लोग तस्वीरें और ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों। केपी संत लाता रहता है, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन देता रहता है। देख सकते हो काफ़ी लंबा चौड़ा ये स्ट्रेच है दोस्तों, जिस पर गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है दोस्तों। अब इस पर शटरिंग का काम किया जाना है और शटरिंग कर देने के बाद में दोस्तों फिर इस पर फ्लोर वर्क किया जाएगा एक साथ। तो जैसे जैसे इस पर गाटर लॉन्चिंग करते जा रहे हैं वैसे ही वैसे यहाँ पर शटरिंग का भी काम स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये आई गटर को आपस में कनेक्ट करने का काम किया जाता है पहले, उसके बाद में फिर शटरिंग की जाती है, उसके बाद लास्ट में फ्लोरिंग का काम किया जाता है दोस्तों। तो मतलब कि 80% काम कम्प्लीट हो चुका है, यानी कि इस पर गाटर रख के और फ्लोर वर्क कर दिया जा चुका है। देखो यहाँ पर ये शटरिंग लगाई जा रही है दोस्तों फ्लोर वर्क के लिए, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है दोस्तों। देख सकते हो आप लोग तस्वीरें, क्या ही नज़ारे हैं यहाँ के दोस्तों। और आपको बता दूं कि साइडों में देखो ड्रेनेज सिस्टम बन गया और बीच का भी डिवाइडर भी बनाया जा रहा है, तस्वीरें देख सकते हो। देखो ये लगी हुई है सेटिंग, ये बीच का डिवाइडर बनाया जा रहा है, इसको बनाने के बाद इसमें मिट्टी भर दी जाएगी, मिट्टी भर देने के बाद में इसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाएंगे दोस्तों। तो आने वाले टाइम में बहुत सुंदर होने वाला है, नीचे का भी पार्ट ऊपर का भी पार्ट। ये दोस्तों 12 लेन का है, 6 लेन नीचे है और 6 लेन ऊपर है एलिवेटेड, यानी कि जो एलिवेटेड वो तो दोस्तों हैं एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होने वाला है 6 लेन का दोस्तों, यानी कि दिल्ली NCR में फिर ये 6 लेन का हो जाएगा ग्रीन फील्ड में जाके दोस्तों। तो देख सकते हो यहाँ तक ये गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है और देख सकते हो गाटरों को ये जोड़ा जा रहा है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद में पिछली वीडियो में भी यहीं तक हुआ था, आप देखो इन पर ये पियर कैप बनाए जाने हैं और बनाए भी जा रहे हैं। देखो वो आगे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, आगे देखो ये पियर कैप की सेटिंग लगी हुई है जिस पर सरियाओं का जाल इन्होंने बना दिया है। अब इस पर कॉन्क्रीट भर देंगे, ये पियर कैप बन जाएगा दोस्तों। और फिर इस पर देखो इस पर सेटिंग लगाने का काम चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। देखो इस पर ये सरियाओं का जाल बना दिया, इसमें कॉन्क्रीट भर दिया दोस्तों, फिर इसकी ये शटरिंग को निकाला जाएगा, फिर दूसरे उधर लगाया जाएगा दोस्तों। तो यही काम चल रहा है, कहीं गाटर लॉन्चिंग चल रही है, कहीं पियर कैप का काम किया जा रहा है। तो पूरे हिस्से में दोस्तों बस यही काम चल रहा है जब से आप लोगों ने ये वीडियो स्टार्ट हुआ है तब से लेकर अब तक का। देखो कहीं पियर कैप बनाए जा रहे हैं ये पियर के ऊपर, और कहीं इस पर गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, कहीं इस पर शटरिंग का काम किया जा रहा है, फ्लोरिंग का काम अभी नहीं किया जा रहा दोस्तों, बस शटरिंग लग रही है उस हिस्से में। इस हिस्से में देखते हैं चल के इसमें क्या होता है। तो इनके पियर कैप बना दिया, अब इनकी शटरिंग को निकालने का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो आप लोग तस्वीरें, अब आप लोग बता सकते हो कि आप लोगों को केपी संत के चैनल पर ये वीडियोस कैसे लगते हैं आप सभी को दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। देखो एक क्रेन मशीन ये खड़ी हुई है, इसी के द्वारा इस आई गटर को उठाया जाता है दोस्तों। देखो यहाँ पर भी है आई गटर को जोड़ने का काम किया जा रहा है,
देखो शटरिंग लगा दी है, ये आई गटर को आपस में पहले कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे। देखो यहाँ पर भी ये जोड़ा जाएगा, बीच में भी जोड़ते हैं, फिर दोनों साइडों में दोनों तरफ जोड़ते हैं, तब जाकर कंप्यूटर, फिर इसमें शटरिंग का काम किया जाता है, उसके बाद में दोस्तों फ्लोर वर्क किया जाता है। देखो आप लोग तस्वीरें, तो ऐसे ही वीडियोस इंजॉय करो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों के पी संत लाता रहता है, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमें लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लो, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर दो, तुरंत बेल आइकन बजा दो, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के पी संत के चैनल पर। दोस्तों के पी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। देखो यहाँ पर ये शटरिंग लगा दी है, इस पर फ्लोर वर्क किया जा रहा है। दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो, यहाँ पर ये क्रेन मशीन रखी हुई है, शटरिंग का सामान यहाँ से उठा के उधर ले जाएगी जहाँ पर गाटर लॉन्चिंग हो चुकी है, तो ये शटरिंग निकाली जा रही है। दोस्तों इस पर फ्लोर वर्क हो चुका है कम्प्लीट, तो इसकी शटरिंग निकालने का काम किया जा रहा है, इसकी तो निकल चुकी है। तो देखो यहाँ पर ये बीच का डिवाइडर भी बना रहे हैं, और साइडों से ये ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया जा रहा है दोनों साइडों में, लेफ्ट में भी राइट में भी, और बीच में ये डिवाइडर बनाने का काम किया जा रहा है। तो यही काम चल रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, मंदी कर लिया करो, आप लोग बता सकते हो संत को बिल्कुल जाम कर लिया करो बिल्कुल। देखो ये ड्रेनेज बनाया जा रहा है साइड में, और ये हम आ चुके हैं मंडोला बिहार के सामने। दोस्तों देखो यहाँ पर भी जो ये साइड के पियर है ना दोस्तों, इन पर भी देखो पियर कैप बनाने का काम किया जा रहा है, सेटिंग लगाई जा रही है। दोस्तों बीच का तो बन गया, तो उस पर भी गाटर लॉन्चिंग नहीं हुई है दोस्तों, वो जल्दी हो जाएगी। और ये रैंप है दोस्तों, और ये सामने है मंडोला बिहार, ये इधर मेरे लेफ्ट में देखो आप लोग तस्वीर। मंडोला बिहार दोस्तों परियोजना, मंडोला बिहार परियोजना, यहाँ पर सस्ते मखान खरीदें और बेचें, किसान भी हैं बिल्डर्स भी हैं दोनों हैं इस जगह पर दोस्तों। ये सारा रैंप बना लिया जा चुका है, कंप्लीट कर लिया जा चुका है दोस्तों। देखो पिछली बार मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया था ना, तो यहाँ से अब दूसरा रैंप स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए के पी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों।